नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सत्र में आपका फिर से एक बार बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कविता दीक्षित और आज जो हम किताब बताने वाले हैं उसका नाम है मास्टर्स इन न्यू एनर्जी। ये किताब बड़ी ज़बरदस्त किताब है। जैसे बॉडी बनाने वाले अपना एक पावर ड्रिंक पीते हैं, वैसे ये सारे साधकों के लिए, मास्टर्स के लिए, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक पावर पंच की तरह है, पावर ड्रिंक की तरह है। ये इसको लिखने वाले हैं जॉफ्री हॉप। ये चैनल बुक है और चैनलिंग मास्टर हैं इसके सेंट जर्मेन, एडामस सेंट जर्मेन, जिनको कि प्रोफेसर जर्मेन भी कहते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मास्टर्स हैं दोनों। सेंट जर्मेन के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत ही शौकीन व्यक्ति थे वो, और बहुत सारे जन्म उन्होंने लिए टीचर्स के रूप में, और इतने शौकीन थे कि वो उनके जो कॉलर और कफ वगैरह में बहुमूल्य रत्न लगे रहते थे। वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, अच्छा खाते थे और बहुत वाइल्डली ट्रेवल किया उन्होंने पूरे यूरोप में। राजाओं, महाराजाओं, रॉयल्टीज़ के सलाहकार हुआ करते थे वो। और बाकी तो इस किताब से आपको सामने आ ही जाएगा कि किस तरह के मास्टर थे वो। और जिन्होंने चैनल किया है जॉफ्री हॉप, ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं। 19 साल की उम्र में इन्होंने पहला स्वाद चखा स्पिरिचुअलिटी का, और फिर इन्होंने अपने लाइफ में उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेट कर लिया, और इतना तक कि इन्होंने मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन में पेटेंट लेके रखा। इतनी दूरदृष्टि है उनकी, आप सोच सकते हैं। तो चलिए इस किताब की हम शुरुआत करते हैं, मास्टर्स इन न्यू एनर्जी। अब न्यू एनर्जी क्या है और ओल्ड एनर्जी क्या है, इसको इन्होंने आगे किताब में बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से समझाया है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो इसी पर है, ओल्ड मास्टर्स न्यू मास्टर्स। पुराने जो साधक होते थे वो कैसे होते थे, और अब जो साधक हैं अब उनका कैसा जीवन है, वो कैसे हैं और उनको क्या करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स इन्होंने पूरी किताब में दिए हुए हैं। शुरू में थोड़े आसान कॉन्सेप्ट्स, बाद में थोड़े से कठिन हैं, तो धैर्य के साथ सुनिए। तब ये कहते हैं कि ओल्ड मास्टर्स और न्यू मास्टर्स, पुराने मास्टर कैसे होते थे, पुराने साधक कैसे होते थे। कहते पास्ट के जो साधक होते थे बड़ा ही उनका कष्ट साध्य वो तपस्या करते थे, साधना करते थे। उनका जीवन कठिन होता था, वो अपने शरीर को डिनाई करते थे, खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे, जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी जगहों पे खड़े होकर तपस्या बैठ के किया करते थे। तो ऐसा उनका जीवन होता था। लेकिन जो नया मास्टर है, नए आज की नई एनर्जी का, वो क्या है, वो जानता है कि सारी मास्टरी किसमें है, बीइंग ह्यूमन, मनुष्य रहते हुए अपना जीवन जीते हुए सारी ऊर्जा को अपने अंदर इंटीग्रेट करते हुए हमको यहीं पर निर्वाण मिलने वाला है, है ना। हम ये मास्टर ये बात अच्छे से समझता है कि इस एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैं हम, इस सांसारिकता में, इस जीवन में, संसार में रहते हुए हमें निर्वाण प्राप्त करना है, सारे मनुष्यों से घिरे हुए रहते हुए। ऐसा हो सकता है कभी आपको लगे कि आपको अकेले रहने की इच्छा है, तो आप थोड़े टाइम के लिए अकेलेपन में जाइए, समय बिताइए और फिर आ जाइए। इनका कहना है कि जब तक आप मनुष्यों के बीच में नहीं रहेंगे तो आपने जो सीखा उसको कैसे सिखा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में रह के निर्वाण प्राप्त किया जाए। फिर उसके बाद ये कहते हैं कुछ मास्टर्स ऐसे थे जो कि ज्ञान मार्ग से जिन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की है ईश्वर को, और वो बहुत उन्होंने पढ़ाई की, कठिन कठिन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पढ़ते गए पढ़ते गए। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कि उस मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हुई है, बहुत सारे कोशिश करने के बाद बहुत थोड़े लोगों को। क्योंकि फाइनली क्या होता है, जब आपने इतना सब पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आता है कि सब कुछ जाने देना है, यू हैव टू लेट गो ऑफ इट। जब सब कुछ जाने देंगे आप, सब कुछ छोड़ देंगे, तब आपको वो दरवाज़ा मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप जो है
दुनिया भर में यहाँ वहाँ अपने ध्यान को लगा सकते हैं कि ये करना ये करना ये करना, लेकिन क्या है, सारे उत्तर कहाँ हैं? आपके अंदर ही है छुपे हुए, इट इज़ ऑलरेडी विद इन यू, सब अंदर ही है आपके। तो आपको करना क्या है, आपको आसानी का जीवन, अपने हिसाब का जीवन जीते हुए पर ईश्वर को प्राप्त करना है। इनका एक और बात इन्होंने कही है कि कई मास्टर्स जो हैं बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन, बहुत कठोर नियम कानूनों के साथ जीवन जीते हैं, अभी भी जीते हैं, और वो सोचते हैं ऐसे जीवन जीने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ज़रूरी है जीवन में, है ना, थोड़े नियम कानून भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। और ये उस समय की ज़रूरत थी इनका कहना, क्योंकि उस समय एक बहुत गहरी एनर्जी की परत थी, घनीभूत छाया जिसको बोलते हैं, जिसको कि चीरना, जिसके जिसको जिसमें से पार जाना बहुत कठिन था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी वो जो परत हमारे ऊपर थी, हमारी धरती एक नए डायमेंशन में जा रही है, वो तरल हो गई है, विरल हो गई है, हल्का हो गया है बिल्कुल। वो जो घनीभूत अंधेरा छाया हुआ था वो छट गया है, तो अब सब कुछ बहुत ही आसान हो गया। इसलिए अब हमें ना अपने आप को कष्ट देना है, और हमको अपने जो ट्रू जॉयज ऑफ लाइफ है, खुशियां हैं जीवन की, उनको ब्लॉक नहीं करना है, हमको उनको उनमें जीवन को जीना है अपने। ये कहते हैं कि पहले ऐसा भी था कि एक टाइम में एक रीजन में कहीं एक कल्चर में एक मास्टर आता था, बहुत सारे लोगों को सिखाया करता था, जिसका उदाहरण है जीसस या गौतम बुद्ध। लेकिन अब का समय कैसा आ गया है, अब का समय ऐसा आ गया है कि हर कल्चर में, हर रीजन में मास्टर साधक ही साधक है, ढेर सारे मास्टर्स हैं। तो अब क्या हो गया है, दिस इज़ द टाइम फॉर मैनी मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स का समय आ चुका है। तो ये तो थी ओल्ड मास्टर्स और न्यू मास्टर्स की बात। अब नया कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है वो हम बताते हैं, छोटे छोटे जो दिए। पहला कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट, विश्वास। मास्टर क्या करता है, अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता है। उसको अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है, क्योंकि ह्यूमंस की क्या स्थिति हो गई इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद, कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास खो दिया अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, और उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है दुस्वप्न में, जिसमें एक छोटे से कमरे में वो कैद है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी मतलब ना तो वो अपने शरीर पर भरोसा करते हैं, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, और अपने माइंड के भी एक छोटे से पोर्शन पर भरोसा करते हैं, अपने पूरे माइंड पर भी भरोसा नहीं करते। हर वक्त शक की निगाह से देखते रहते हैं, ढेर सारे जजमेंट्स रहते हैं उनके मन में, ये सही है ये गलत है क्या हुआ, अपने अनुभवों पर भरोसा नहीं करते। तो मास्टर को क्या करना है, संपूर्ण तरीके से विश्वास अपने ऊपर करना है, इम्प्लिसिटली ट्रस्ट करना है अपने आप को, और उनको अपने शरीर पर भी पूर्णतः विश्वास करना है। उनको ये उनको मालूम होना चाहिए अच्छे से कि मेरा शरीर जो है वो ऐसा डिज़ाइन उसका किया गया है कि वो हर वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, वो रिपेयर कर रहा है, और वो रिपेयर कैसे कर रहा है, मिराकुलस वेज में, जादुई तरीके से, अद्भुत तरीके से सब रिपेयर और हीलिंग हो रही है उसके शरीर में। अब क्या होता है, इनका कहना है कि आपने शायद कोशिश, अपने माइंड के ऊपर हम नेक्स्ट बात, ये कहता है आपने पहले शायद कोशिश की होगी कि मैं इंट्यूशन पे भरोसा करूं, अपनी साइकिक पावर से भरोसा करूं, लेकिन उत्तर तो कुछ आया नहीं। तो ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर ना आया हो, लेकिन आप शायद उसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश कर रहे थे, किसी और उत्तर को पाने की कोशिश कर रहे थे, या आप सोच रहे थे नहीं ये उत्तर तो है लेकिन ये सही नहीं, करेक्ट आंसर नहीं था आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो उत्तर तो आएगा ही आएगा, ऐसा इनका कहना है। अपने इंट्यूशन पे, अपने सिक्स्थ सेंस पे विश्वास रखिए, अपने माइंड के बाकी हिस्से पर विश्वास रखिए। ये कहते हैं कि आप अपने शरीर को छोड़ दीजिए, अलाउ करिए, अपने आप को रीबैलेंस करने दीजिए, अपने आप को हील करने दीजिए, लड़िए मत। आपकी बॉडी को आपके साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फाइट बैक करना पड़ रहा है, वो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अपने माइंड को ट्रस्ट करिए। आपको हर पल, हर समय, हर चीज़ का आंसर मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड जो है वो यूनिवर्सल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, वो प्रोसेसर है सारी इन्फॉर्मेशन का। तो आप टोटली अगर आप माइंड को ट्रस्ट करेंगे तो आप कठिन से कठिन
मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आप जो है वो कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को लिमिटेड मत बनाइए, अपने माइंड को ब्लॉक मत करिए। आपने जगह जगह ब्लॉक्स लगा के रखे हैं अपने माइंड पर, उन ब्लॉक्स को हटा दीजिए और इम्प्लिसिटली ट्रस्ट करिए, और उसके बाद अपने स्पिरिट पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि हमको इतने सालों में सिखा दिया गया, अरे भगवान कहीं दूर बैठा हुआ है, हम अपने स्पिरिट पे ट्रस्ट करना भूल गए। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत बोल्ड बनना है, बहुत साहसी बनना है, बहुत डेयरिंग बनना है, और इस ट्रस्ट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं बिना डरे हुए। क्योंकि ये ब्रिज जो है आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रस्ट वाला, तभी आपके जीवन में वो प्रकाश आएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। सेंट जर्मेन कहते हैं, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि मुझे ये सब गिफ्ट जो है कैसे मिली, ये कैपेबिलिटीज, ये महान उनके उनकी बहुत अपार क्षमताएं हैं सेंट जर्मेन के पास, तो कहाँ से आई उनके पास। ये कहते हैं कि मैंने ये सब मैनिफेस्ट करने में कितना हजारों साल लगाए मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो उस समय का समय था जब मैंने ये सीखना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजारों साल बर्बाद ना करके अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और आप उनको यूँ पा सकते हैं, सारी क्षमताओं को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं फ्रेंड्स, एलिगेंटली सिंपल, ये कहते हैं सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सिंपल है, एलिगेंटली सिंपल, साफ है बिल्कुल। आपको दुनिया में ये बताया गया है कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है ना। तो आपने सबको ऐसे समझ लिया कि अरे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, यहाँ कोई भी काम आसानी से नहीं होता, सब कुछ बहुत कठिन है, अध्यात्म भी कठिन है बहुत ज़्यादा, कहीं भी कोई चीज़ बिना कष्ट के नहीं मिलती। लेकिन ये खाली दिख रही है। ये कहते हैं कि जैसे एक कपड़े की हम जब कढ़ाई करते हैं उसमें, और आप नीचे से उसको देखेंगे तो आपको सारे धागे उलझे हुए दिखाई देंगे और कलर सब सब दिखाई देंगे, लेकिन उसी चीज़ को जब आप ऊपर से देखेंगे तो कितना सुंदर पैटर्न दिखाई देगा, कोई केओस नहीं है, सब कुछ अपने आप में अंतर्निहित ऊर्जा के साथ सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो इनका कहना है कि एनर्जी तो बस एनर्जी है, ठीक है ना, एक न्यूट्रल स्टेट है, हम उसके ऊपर जैसा भी चार्ज रख देते हैं अपने चुनाव के द्वारा वो उस तरह से बिहेव करने लगती है। तो अगर आप उसको कठिन बना लेंगे किसी चीज़ को तो वो कठिन हो जाएगी, और अगर आप उसको सरल बना लेंगे तो वो क्या होगी, वो सरल बन जाएगी। तो सिचुएशन आपको कठिन इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आपने सोचा है कि वो कठिन है, लेकिन आप बिहाइंड द सीन देखेंगे वो बहुत सरल है, सब कुछ बहुत आसान है। तो आप अपने दिमाग को ज़रा आराम दीजिए और हार्ट से काम दीजिए, ठीक है ना, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ बहुत आसान है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं सेल्फ फर्स्ट, यानी कि हमें सबसे पहले अपने आप को रखना है। कई सालों से ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि मनुष्य को बलिदान करना चाहिए, अपने आप को बलिदान करके वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, ये हमारे अंदर कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कहते हैं कि जब अपना आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप प्रसन्न नहीं होंगे, तो दूसरों को आप क्या सिखाएंगे। अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने स्पिरिट को देखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को रीबैलेंस करिए, अपने आप को बिल्कुल क्लियर एंड हेल्दी बनाइए, और अपने जो मल्टी डायमेंशनल स्वरूप है उसको, उसकी तरफ कदम बढ़ाइए, ठीक है ना। वजह है इसके कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, पहले अपने आप, पहले आप। तो जब आप पहले आप करेंगे, ये बहुत प्रोफाउंड और बहुत सेक्रेड थिंग है, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत पवित्र कार्य है अपने आप को पहले रखना। तो आप जब पहले अपने आप को रखेंगे तब आपके व्यक्तित्व से ये प्रकट होना चाहिए कि एक मास्टर को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहते हैं आप एक सोवरेन बीइंग है, प्रभु सत्ता है, आप एक डिवाइन ईश्वरीय वो है, व्यक्तित्व है आपका, अस्तित्व है आपका। तो आप उस तरह से बिहेव करिए, एक्ट करिए। कहीं भी ये नहीं बोला गया है इनके हिसाब से कि आपको दूसरों को फिक्स करना है, रिपेयर करना है, बल्कि आप उनका इस तरह से आप उनको डिसऑनर कर रहे हैं,
उनको निचले स्तर पर रख रहे हैं। तो दूसरों के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप जैसी स्थिति में हैं उनको वैसे ही ऑनर करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी इज्जत करिए। उन्होंने जो भी चुनाव अपने जीवन में किए हैं, जो भी रास्ते उन्होंने अपने जीवन में चुने हैं, उनकी इज्जत करिए आप। और आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ ये है कि जब एज अ टीचर आपको बुलाया जाए, आप वहाँ जाए और उनकी मदद करें, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स कहता है ऑल एनर्जी सर्व्स। तो मास्टर क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं कि हम सबको, साधकों को ये जानना चाहिए कि सारी एनर्जीज जो हैं दुनिया की, वो हमें सर्व करने के लिए तैयार है। सारी ऊर्जा विश्व की, ठीक है ना, वो केवल उचित समय का इंतजार कर रही है और हमें मौका देने का इंतजार कर रही है कि हम मौका दें ऊर्जा को कि आओ और हमें सर्व करो। अब एनर्जी बहुत सारी लोकेशंस पे, बहुत अलग अलग स्वरूप में स्थित है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी है और जो एंजल्स की एनर्जी है, उनके रिजर्वॉयर्स हैं, उनकी वहाँ पे स्थित है। इसके अलावा हमारे अंदर स्थित एनर्जी और हमारे चारों तरफ स्थित जो फील्ड, जिसको हम बोलते हैं एक फील्ड है हमारे, ये सब एनर्जी, ये सब इंतज़ार कर रही है कि हमें इनको मौका दें, हम इनको पुकारें और ये हमें मदद करने के लिए तैयार हों। ऐसी बहुत सारी एंटिटीज जिनको हम नहीं देख सकते हैं, ये हमें हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। नए बहुत सारे नए अवसर, नए जॉब, पैसा, ये सब कुछ हमें सर्व करने के लिए। हमने क्या किया, सर्वेंट नाम के शब्द को एक नेगेटिव उसमें देख लिया। अरे हम किसी से सेवा कैसे ले सकते, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अरे ये हमें सर्व करना चाहती हैं। लेकिन जैसे हम दूसरों की सेवा करके खुश होते हैं, वैसे वो सब हमें सर्व करके उनको सबको बहुत खुशी महसूस होती है। तो नेचर बीइंग्स को, देवों को, गॉड्स को, इन सबको आप अलाउ करिए कि ये आपको, आपकी सहायता करें, आपको सर्व करें, ठीक है ना। आपको ये इसके किसी स्टेज तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं कि जब मैं इतना एनलाइटेंड हो जाऊंगी या जब मेरा ये हो जाएगा तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अभी इसी वक्त सब कुछ आपकी सहायता करने के लिए सारा यूनिवर्स तैयार है और ये उनके इवोल्यूशन का और हमारे इवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो हमको क्या करना है, हमको उस एनर्जी को अपना, अपने आप को सर्व करने देना है, हमको उसको यूज़ करना है एनर्जी को, हमें उसके साथ प्ले करना है, लाइफ को लाइटली लेना है, सीरियसली नहीं बन के बैठना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताते हैं मास्टर, वो कहते हैं चॉइस। वो कहते हैं कि हर मास्टर के पास जो है चॉइसेस होती है और वो चूज़ करता है, वो चुनाव करता है। मास्टर डर के नहीं बैठा रहता है। और ये छोटी छोटी चॉइसेस नहीं कि नाश्ते में क्या खाना, कपड़े क्या पहनना, बड़े बड़े चॉइसेस मास्टर करता है। ऐसा नहीं है कि बस जो हो गया सो हो गया है, इसमें नहीं बैठता मास्टर कभी। मास्टर हमेशा चुनाव करता है और बहुत स्पेसिफिक चुनाव करता है मास्टर। और उसके बाद इनका कहना है कि जब मास्टर चुनाव करता है तो वो ये भी जानता है बहुत अच्छे से कि जो भी मैं चुनाव कर रहा हूँ, इसका जो आउटकम है, इसका जो फल है, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, उसको ओन नहीं करूँगा कि नहीं इसका तो यही होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि इनका कहना है कि जब भी आप जीवन में आपने कोई चुनाव किया, आपने चुना, एक डिसीजन लिया, तो क्या होता है कि एक जो मास्टर है वो बहुत ही डेलिबरेट, बहुत सोच समझ के और एक अपने चैतन्य के साथ एक चुनाव करता है जब, तो क्या होता है कि उस चुनाव के साथ जो भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डायनेमिक है, गतिशील है, उसके साथ एक एनर्जी जुड़ जाती है ना, और वो आपके जीवन को फिर आगे गाइड करने लगती है। और वो एनर्जी जो है, आपके जो चुनाव हैं, वो सब फिर ये तय करते हैं कि आपके जीवन में कैसी ऊर्जा आएगी और आपके जीवन से कैसी ऊर्जा दूसरों तक जाएगी, है ना। तो मास्टर जो है वो ये सब सोच समझ के चुनाव करता है और वो चुनने से डरता भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके कैसी ऊर्जा चाहिए और कैसी ऊर्जा उसके जीवन से जाएगी। तो वो बहुत हाई लेवल चॉइसेस करता है,
जैसे हाई लेवल चॉइसेस का मतलब इन्होंने लिखा है बहुत अबंडेंस, वो इस हम्बल बन के नहीं रहता, अरे ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो अबंडेंस चूज करता अपने लिए भी और अपने अराउंड हर चीज़ के लिए अबंडेंस चूज करता है। वो चूज करता है अपने खुद की जो फिजियोलॉजी है, शरीर है, बायोलॉजी है, इसमें बैलेंस, ठीक है ना। वो चूज करता है मैं एक अच्छा टीचर बन, मास्टर बन, मैं दुनिया को कुछ सिखा सकूँ, अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपना जो भी कुछ मैंने सीखा है वो मैं बांट सकूँ। तो इस तरह के चॉइसेस जो है आपको करने हैं, और छोटी छोटी चॉइसेस तो अपने आप ही जीवन में आ जाएंगे। तो जब आप अपना ऊंचा गोल रखते हो, एक लक्ष्य आपका बहुत महान हो जाता है, तो आपके जीवन में बाकी सब चीज़ें जो है वो अपने आप फिल इन होने लगती हैं, आपको उनके लिए कुछ सोचना या करना नहीं पड़ता है। तो ये कहते हैं कि आप जो है खुल के चुनिए, बिना किसी डर या संकोच के, और हाई लेवल चॉइसेस। अब अगला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो है सेल्फ कंटेनमेंट, स्व में स्थित होना। तो ये कहते हैं मास्टर जो है वो एक सेल्फ कंटेन बीइंग है, यानी पूरी तरह से अपने स्व में स्थित है, अपने अंदर स्थित है, अपनी अपनी ऊर्जा को पहचानता है, अपने आप को पहचानता है। उसको कहीं से भी एक दाना या एक कॉर्न, जिसको मोरसल बोलते हैं, वो एनर्जी उसको कहीं बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास अंदर सब कुछ है और ये उसे मालूम है। तो ये कहते हैं कि आप अपनी एक एनर्जी मशीन लेके आए हैं इस संसार में, जो आपके शरीर में है इस समय। तो आपका बॉडी का, ये कहते हैं कि हर एटम, हर उसकी कोशिका, सेल और सारे ब्लैंक स्पेसेस उस एनर्जी मशीन के द्वारा चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। आपको बाहर से कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं है। तो लोग कहेंगे फिर हमें खाना खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इनका कहना है कि कुछ समय बाद ऐसी स्थिति भी आएगी जब आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्रगति करते रहिए। तो ये कहते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल मनुष्यों ने ये सीख लिया है कि सब कुछ बाहर से आता है, ठीक है ना। तो हम बाहर से कुछ कुछ लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कभी हम मांगते हैं दे दीजिए, कभी हम जो है वो क्या बोलते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, इवन एनर्जी के लिए भी हम यही सब करते हैं। तो ये कहते हैं कि आप मेरी बात का विश्वास रखिए, सब कुछ आपके अंदर ही स्थित है, आप अपने खुद के एनर्जी जनरेटर हैं, कहीं से बाहर से आपको एक इतना सा कण भी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मोर ऑन ट्रस्ट। हम विश्वास के बारे में थोड़ी बात और करेंगे। तो मास्टर कहते हैं कि अब जब आपने जान लिया है कि आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, और आपने ये भी जान लिया है कि आप चॉइसेस भी करेंगे, है ना, चुनाव करेंगे, ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, तब आपके सामने क्या प्रश्न आता है, आपके मन में ये शक आता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो इसी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उनको बड़ा इस तरह से किया गया है कि हर चीज़ जानो कि ये सच है या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम जो है अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो इनका कहना है कि तो मैं आपको बता दूं कि सही या गलत ये सिर्फ परसेप्शन है, ऐसा कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट सही या गलत का नहीं है। हम अपने लिमिटेड माइंड से सोचते रहते हैं कि ये सच सही हुआ, ये गलत हुआ, हमको नहीं मालूम कि जो दूसरा ऑप्शन था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे जीवन में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमारी क्षमताएं अपार हैं। इसलिए आप पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रखिए, दूसरों की तरफ देखना बंद करिए, अथॉरिटीज़ की तरफ, दूसरे मित्रों की तरफ, गाइड्स की तरफ, एंटिटीज़ की तरफ, किसी भी की तरफ मत देखिए, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चलिए। क्योंकि इनका कहना, जैसा इन्होंने पहले भी बताया था, कि सब कुछ बहुत ही एलिगेंटली सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इस जीवन। अब आगे ये क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं ये इल्यूजन माया के ऊपर। इनका कहना है कि एक मास्टर जो है ये बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि उसका जीवन और उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो एक इल्यूजन है, और ये बड़ा ही सच्चा इल्यूजन है, देखने में बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन वो है क्या,
वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है, वो आपके जितने भी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, आपके जो चुनाव थे, आपके जो बिलीफ सिस्टम थे, उन सब का प्रतिबिंब है, प्रकट हो रहा है आपके आसपास। आपके अपने आप से संबंध, आपकी पूरी दुनिया से संबंध, ये सब किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? ये सब एक इल्यूजन के रूप में आपके चारों तरफ प्रकट हो रहे हैं, जो आप, जिसको कि आप बिल्कुल सच्चा मान रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सब क्या है, ये एक एनर्जी है, तो ये बदला जा सकता है। ठीक है ना, ये कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है ये। इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड विस्तार कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको कभी भी बदल सकते हैं। ये इल्यूजन है चूंकि, इसलिए तो ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ये केवल प्रतिबिंब है, उससे डरना नहीं है, उसे जब हमें नहीं पसंद आए उसे बदल देना। इसके बाद है स्वीकार्यता भाव के ऊपर। स्वीकार्यता भाव क्या है? एक मास्टर जो है, जिस जो जैसा उसको वैसा ही स्वीकार करने का साहस रखता है, उसको वैसा स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई की बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, हमको नहीं मालूम कि वाकई में सच क्या है, हम तो इल्यूजन में रहने वाले हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि क्या होता है कि हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग, हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे अंदर क्या करता है, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव हमारे अंदर शुरू कर देता है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करिए, सीखिए इस चीज़ को, और यही अल्टीमेट कंपैशन है एक्चुअली, जो करुणामय स्थिति है ये यही है। और इसके अलावा इनका कहना है कि जो जैसा है वो अपने आप में परफेक्ट है, उस स्तर पर उसको वैसा ही होना चाहिए, इसलिए वो वैसा है। तो इसको स्वीकार कर लीजिए, हम यहाँ पर दुनिया को बदलने के लिए नहीं आए हैं, किसी भी चीज़ को जोर जबरदस्ती से करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ उन लोगों को सिखाने आए हैं जो कि सीखने के इच्छुक हैं। उन मास्टर्स के लिए है ये संदेश, जो कुछ सिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है दुनिया को। अब अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है द अननोन, अनजाना। अनजाना जिसको ये कहते हैं कि एक मास्टर जो है वो अपने आप को अलाउ करता है उस अनुभव के लिए। वो अनुभव क्या है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर, प्रभु, गॉड, जिसको ये कहते हैं कि अनजाना, अनदेखा, अनसुना, है ना, जिसको आप बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, वो एक अनुभव है। इनका कहना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है भगवान का, बहुत ही ह्यूमन माइंड से, मनुष्य के दिमाग से छोटा निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। और ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि बहुत कहना चाहिए डाइल्यूट है, जैसे एक शरबत है, उसमें आपने इतना पानी डाल दिया कि अंत में उसके ना खुशबू, मिठास, कुछ भी बाकी नहीं रही। तो गॉड का कॉन्सेप्ट भी ह्यूमन माइंड से ऐसा ही निकला हुआ, जिसको आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना है, हमको इसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं करना, हमें सिर्फ इसको अनुभव करने की कोशिश करना। और ये अनुभव कैसे किया जा सकता है, पूरी तरह से संपूर्ण विश्वास आप जब अपने ऊपर करेंगे तो आप इसे अनुभव कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल बात है ये। ये कहते हैं लोग आपसे कहेंगे, अरे मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, ना तो कोई बिजली कड़की, ना कोई रोशनी चमकी, ना ही कहीं कोई आवाज़ मुझे सुनाई दी अंदर से। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये हमारे सेंस परसेप्शन से, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे निकले हुए अनुभव, जो जिसको कि ये ड्रामा कहते हैं। इन सब को छोड़ दीजिए, इनका कहना है इन सब को छोड़ दीजिए, एक दो मिनट के लिए अपने अंदर स्थित हो जाइए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को महसूस करिए, और तब आप महसूस कर पाएंगे किस चीज़ को, उस चीज़ को जिसको कि कहते हैं अननोन, जो कि एक बहुत ही गहरा, इतना गहरा कि आप उसके अंदाज नहीं लगा सकते, इतना गहरा पूल है, बिल्कुल स्टिल, शांत पानी का गहरा कुंड है वो, जो बिल्कुल शांत है, काम है, क्वाइट है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें स्थित होना है आपको, और उस अनुभव से आपको उसको जानना है। तो हमारा जो एसेंस है वो हर पल हमसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये बात जान लीजिए, एक पहली रियलिटीज में जब घनीभूत अंधेरा था, तब वो कहीं दूसरी रियलिटी में स्थित था, लेकिन अब जबकि इतनी रोशनी आ चुकी है धरती पर,
तब वो हमारे बिल्कुल पास है, उसको अपने से संबंध स्थापित करने दीजिए। कहाँ कैसे करेंगे, इस मन से परे जाइए, माइंड से परे जाइए, हमारे जो सेंस परसेप्शन है इनसे परे जाइए। कुछ भी मन में चित्र मत बनाइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और तब आप उससे संबंध स्थापित कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कहता है फेसेट्स एंड लेयर्स। ये कहते हैं कि मास्टर जो है वो सारे स्तरों को एनर्जी के महसूस करता है। कैसे, इनका कहना है कि मान लीजिए एक पत्थर है, एक पत्थर जो है उसके अंदर अपनी एक चेतना अवेयरनेस है। अब इसके टुकड़े कर दिए जाएं तो उस हर टुकड़े में उस पूरे पत्थर की चेतना मौजूद है जब वो पूरा था तब। अब उसमें कभी कोई पानी की बूंद गिरी है उसके अंदर, उस पानी की चेतना भी उस पत्थर में मौजूद है, ठीक है ना। तो जब एक अगर एक सीकर एक साधक उन स्तरों तक जा सकता, वो पहले पत्थर के स्तर पर जाएगा, फिर उस पानी के स्तर तक जाएगा, और उस पानी से भी अंदर उन लेयर्स तक चला जाएगा। जब वो पानी की बूंद कहाँ से आई, कौन सी नदी से, कौन से समुद्र से आई, और यहाँ तक कि वो इतनी गहराई में भी जा सकता है कि जब सृष्टि बनी और पहली बार बारिश हुई पानी, उस अवेयरनेस तक भी जा सकता है। तो इस तरह से मास्टर्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो इनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर, हर भावना में, इमोशन में, हर ऑब्जेक्ट में, वस्तु में कितनी सारी लेयर्स मौजूद हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं, आप वहाँ, और आप चाहें तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो इनका कहना है जो हीलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसी तरह से मनुष्यों के लेयर्स अंदर अंदर जाते हैं, और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे क्या हीलिंग की ज़रूरत है, क्या करना। इनका कहना है कि आप इसको महसूस करने की कोशिश करिए, एक खाली एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ दुनिया भर में अपना ध्यान मत फैलाइए, और फिर उसको महसूस करिए, उसके स्तरों को, और फिर अपनी मल्टी डायमेंशनैलिटी जो है आपकी, आप कितने सारे आयामों में एक साथ रह रहे हैं, आप उसको भी अनुभव कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको सत्र को यहीं रोकते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए पीएमसी हिंदी को, बहुत सारे ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, सत्संग के लिए। और अगली बार इसके अगले हिस्से के साथ फिर मैं दोबारा उपस्थित होंगी। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।